साइंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारिया पांचपन। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति जैसे इसके बारे में अध्ययन करें उससे पहले जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति भारत में कब प्रारंभ हुई। भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी और राजस्थान में 19 रियासतें थी। तो 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने के लिए 31 मई 1857 का समय निश्चित किया गया था। उसके प्रतीक थे कमल का फूल और चपाती। लेकिन 10 मई 1857 को यह क्रांति मेरठ में समय से पहले प्रारंभ हुई, जो कि इस क्रांति की विफलता का एक कारण था। इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली के सम्राट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। सबसे पहले यह क्रांति भारत में मेरठ में प्रारंभ हुई थी और वहीं से क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। अब अपन राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। उन 19 रियासतों में करौली रियासत ऐसी रियासत थी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया था। राजस्थान में एजीजी अजमेर यानी एजेंट ऑफ एजीजी का मुख्यालय अजमेर था। पहले एजीजी थे राजस्थान में जो कि जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस उस वक्त के एजीजी थे। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में 6 छापे थी नसीराबाद नीमच खेरवाड़ा देवली ब्यावर और एरिंगा। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति प्रारंभ हुई थी वो नसीराबाद में 28 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। वहां से तो वहां पर बंगाल की पतली देवी व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया था और वहीं से क्रांति प्रारंभ हुई। फिर नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई। इस तरह से उसके बाद देवली गई और देवली के बाद एरिंगा पहुंची थी। सब खेरवाड़ा और ब्यावर दो ऐसी छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। एरिंगा में 21 अगस्त 1857 में हुई थी। 21 जो कि एरिंगा पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है और उसके पास में एक आहुआ करके एरिया आहुआ करके कब्जा था। वहां पर ये सबसे अधिक आहुआ के जो शासक थे ठाकुर कुशाल सिंह उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में बहुत ही दो तीन युद्ध हुए। सबसे पहला युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को भिथोड़ा में। उस युद्ध में कैप्टन हिपकोट और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था जिस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। उसके बाद में 18 सितंबर 1857 को चैनावास का युद्ध होता है। इस युद्ध को गोखले और गोरे को युद्ध भी संख्या देती है। ये युद्ध जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस और अंग्रेज ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में होता है। इस युद्ध में जो एक अंग्रेज अफसर था उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका सिर किले में लटका दिया गया था। इस तरह से एजीपुरा में हुए था। उसके बाद एजीपुरा में 20 जनवरी 1857 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह हार गए और उन्होंने युद्ध की कमान इस लड़ाई की कमान अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर वे मेहर चले गए जहाँ पर उन्होंने सरूबर में सपा बोली थी। सरूबर में जाकर स्थान ग्रहण किया था और वहां पे जाकर उन्होंने रह गए। उसके बाद में वे उन्होंने समर्पण कर दिया। उसके लिए एक आयोग भी बिठाया गया था लेकिन आयोग में पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। उसके बाद में कोटा में सबसे भयंकर घटना हुई। वहां पर 15 अक्टूबर 1857 को सबसे बड़ी घटना हुई थी। वहां पे लाला जयदयाल के नेतृत्व में और मेहरा खान के नेतृत्व में हुआ था। वहां के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मेजर जनरल बर्डर उसके दो पुत्र की हत्या कर दी गई थी और उसके सिर को किले में लटका दिया था। अंत में ये क्रांति वहां से प्रतिवाद हुई। उसके बाद में ये क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों ने सफलता प्राप्त कर ली और उन्होंने पूरे राजस्थान में जो क्रांति की जहां जहां क्रांति हुई थी वहां उन्होंने दबा दिया। इस तरह से राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी और इस तरह से ये इतिहास हुआ। कुल मिला के इसका निष्कर्ष निकाले तो ये पहला अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष था। भले ही राजस्थान में क्रांति सफल नहीं हुई लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेजों के खिलाफ भूकंप बजाने में सबसे पहला वही रोल रहा था। और इस क्रांति का परिणाम यह हुआ था कि जहां यहां इस क्रांति से अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो खत्म हो गया और अब शासन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। इस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी। धन्यवाद।